आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, अभी आपने देखा था कि रिलायंस का जो AGM हुआ था उसमें जियो फोन 3 के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, और आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जियो फोन 3 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, कई लोग तो गिव अवे भी अनाउंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें आखिर क्या सच है, क्या जियो फोन 3 आने वाला है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे और उसके बारे में क्या क्या बातें, क्या राज हैं, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। और इस वीडियो को मैं शुरू कर देता हूँ ठीक अभी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको बता दूं कि अगर वो अपने काम की वीडियो, अपने फायदे की वीडियो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए, अब मैं शुरू में सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आखिर मैं ये वीडियो जियो फोन 3 के बारे में क्यों बना रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए, आप ये वीडियो भी देखिए, यहाँ पर अभी जियो फोन 3 की अनबॉक्सिंग भी लोग कर रहे हैं, कई लोग इसका गिव अवे तक कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जो जियो, आपको पता होगा जियो फोन जो पहला लॉन्च हुआ था AGM में, उन्होंने जब खबर की थी उसके बाद ही लॉन्च हुआ था। इसके पहले वाला जो AGM हुआ था उसमें जब इन्होंने जियो फोन 2 के बारे में बताया था तो जियो फोन लॉन्च कर दिया था, लेकिन ये जो 2019 की AGM थी उसमें किसी ने भी जियो फोन 3 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ तक एक रत्ती पर ये नहीं बताया कि कोई फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है। ये है मेरी पहली पुख्ता चीज़ जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जियो फोन अभी नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी रिलायंस अपने जियो गीगा फाइबर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, अभी उन्होंने लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है उनके ऊपर, अगर ये प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा उनको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से पूरा उनका फोकस ये है कि ये साल पूरा वो लगभग जियो गीगा फाइबर के ऊपर लगाएंगे कि अच्छे से अच्छे उसको बढ़िया तरह से एक लॉन्च पैड दे दें ताकि वो बढ़िया सा अच्छा चल पाए। तो ये मेरी दूसरी बात हुई। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि जियो फोन 3 आ सकता है, और उसकी जो कुछ लीक जो आती है वो लीक आ चुकी है, और कई जगह आपने देखा होगा कि वो फ़ोन को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 48 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर क्वाड कैमरा मिलेगा आपको, ट्रिपल कैमरा मिलेगा, कोई बोल रहा है कि ड्यूअल कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी अफवाह ही है। क्योंकि ये देखिए, अभी रिलायंस की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, ना ऑफिशियल ना लीक, ऐसी कोई भी खबर वहाँ उनकी तरफ से नहीं आई है कि जियो फ़ोन बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरी बात, ये जो लोग दिखा रहे हैं फ़ोन जियो के नाम से दिखा रहे हैं, तो मैं रिलायंस को बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, आपके नाम की देखिए कितनी बदनामी कर रहे हैं कि इतने मेगापिक्सल, उतने मेगापिक्सल। हाँ, ये भी हो सकता है कि रिलायंस कुछ खुद ऐसी बात फैलाना चाह रहा हो जिससे कुछ हाइप खड़ा हो जाए, तो ये बात भी हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो फेक वीडियो बन रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फ़ोन ले आए, अगर फ़ोन लाए भी है तो इल्लीगल है, क्योंकि अभी तक ये हमारे पास किसी के पास भी, बड़े से बड़ा आप टेक यूट्यूबर को देख लें, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि जितने भी साइट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइट्स है वो भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा पक्की कि एग्जैक्ट क्या होगा। हाँ, ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशन की एक रूमर है, जो अफवाह है वो ज़रूर यहाँ पर सबको पता है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो जियो फोन 3 अगर लॉन्च होगा तो कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन इसकी हो सकती है। तो दोस्तों, जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसे इग्नोर करते जाइए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ। 5 इंच की HD IPS LCD जो टच स्क्रीन होगी यहाँ पर, इसका प्रोसेसर MediaTek का क्वाड कोर 1.4 GHz का होगा, इसका कैमरा जो फ्रंट का होगा 2 मेगापिक्सल का हो सकता है और रियर 5 मेगापिक्सल का, इसकी बैटरी 2800 mAh की हो सकती है और 10 वाट का स्टैंडर्ड चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, सिम होगी डुअल सिम जो कि दोनों 4G वोल्टेज को सपोर्ट करेगी। रैम रोम की बात करें तो 2GB 64GB का एक ही वेरियंट आएगा, सिंगल वेरियंट, और जिसे एक्सपांड कर सकते हैं 128GB तक। OS इसमें एंड्रॉयड गो आएगा जो एंड्रॉयड 8.1 पर आधारित है, और इसके दूसरे फीचर की बात करें तो 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा, LED फ्लैश मिल जाएगा, और भी मतलब दूसरी चीज़ें जो रहती है FM रेडियो वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे। और जहाँ तक दूसरे लोग इसकी प्राइस बता रहे हैं कि आपको 4500 में, 2500 में, 3000 में, तो हाँ, ये हो सकता है कि 1500 से लेकर 4500 तक इसकी प्राइस जा सकती है।
और जहाँ तक इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमें ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर 2020 में जून में ये मिल सकता है। तो क्योंकि अभी वो सारा जियो गीगा फाइबर पे उनका ध्यान है, मेरे ख्याल से जो अगली एजीएम होगी उसमें जियो फोन 3 का लॉन्च या फिर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे। फिलहाल अभी तक जियो की तरफ से, रिलायंस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है कि जियो फोन 3 एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों ये तो थी सारी जियो फोन 3 के बारे में अफवाह, लेकिन मेरा भी मानना है कि जियो फोन आने वाला है, लेकिन जो जियो फोन की स्पेसिफिकेशन, अनबॉक्सिंग और इसकी गिव अवे दिया जा रहा है ये सारे झूठ हैं, बकवास है, फेक है। ऐसे चैनल पर जाने से आप बचें, क्योंकि ये आपको गलत बात ही बताकर आपसे हमेशा व्यूज और आपकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। तो ऐसे चैनल पर जाने से आप सख्त बचें। तो दोस्तों ये तो थी जियो फोन 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी काम आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए इनसे पूछ लेते क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। तो यहाँ पर कोई दया तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को मैंने खैर आपके सामने बता दिया है, अब आप सावधान रहेंगे ना, ठीक है। तो जाते जाते इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक भी देते जाइए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो जाए और ऐसे फेक वाले से बच जाए यार, ठीक है। तो चलिए आप मेरे अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।